हिस्टोरिक टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि ओलंपिक में जो गोल्ड मेडल मिलते हैं उनमें कितना सोना होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। जब भी ओलंपिक गेम्स में मिलने वाले गोल्ड मेडल की बात होती है तो मन में सवाल आता है कि क्या खिलाड़ियों को मिलने वाला पदक सोने का होता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं आज इसका सही जवाब। टोक्यो में ओलंपिक चल रहा है और कई खेलों में भारतीय खिलाड़ी अपना दाव लगा रहे हैं। अभी तक भारत की झोली में सिर्फ दो ही मेडल आए हैं। ओलंपिक के दौरान सबसे ज्यादा जिक्र पदकों का ही होता है। कोई मेडल लिस्ट पर नजर रखता है तो कई लोगों के दिमाग में मेडल को लेकर कई सवाल आते हैं। इसमें ज्यादा एक ही सवाल पूछा जाता है और वो आखिर स्वर्ण पदक पूरा सोने का बना होता है। हो सकता है आपके मन में भी कभी स्वर्ण पदक को लेकर सवाल आया होगा कि आखिर कितने वजन का होता है, इसमें कितना सोना होता है। ऐसे में आज हम आपको बताते हैं कि ओलंपिक के दौरान मिलने वाले गोल्ड मेडल का वजन कितना होता है और इनमें सोना चांदी आदि की कितनी मात्रा होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने ग्राम का होता है पदक। वैसे तो ओलंपिक पदक 500 ग्राम के होते हैं, लेकिन टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा वजन वाले मेडल हैं। इस बार स्वर्ण पदक करीब 556 ग्राम का है, जबकि रजत पदक 550 ग्राम का होता है और ये पूरी चांदी का बना होता है। वहीं कांस्य पदक 450 ग्राम का होता है, जिसे 95% कॉपर और 5% जिंक मिलाकर बनाया जाता है। इन मेडल को कई चीजों को रिसाइकल करके बनाया जाता है और इसमें करीब 52% शुद्ध चांदी होती है, क्योंकि इसे कांच, एक्सरे, प्लेट्स आदि से बनाया जाता है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं क्या सही में सोने का होता है मेडल। ओलंपिक में किसी एक खेल में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए गोल्ड मेडल दिया जाता है। अगर सोने की बात करें तो ये मेडल पूरी तरह सोने का नहीं होता है। गोल्ड मेडल में सिर्फ सोने की परत होती है, जबकि ये चांदी का बना होता है। कहा जाता है कि इसमें सिर्फ 1% से थोड़ा सा ज्यादा सोना होता है। वैसे इसमें 6 ग्राम सोना होता है। Olympics.com के अनुसार इसमें 6 ग्राम से थोड़ा ज्यादा सोना होता है। स्वर्ण पदक सबसे भारी होता है और इसमें 6 ग्राम सोने का वजन ही ज्यादा माना जाता है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आखिर ये मेडल कौन बनाता है। मेडल की डिजाइन की जिम्मेदारी मेजबान शहर की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की होती है और यह हर गेम में अलग हो सकती है। आपको बता दें कि इस मेडल का एक केस भी होता है जिसमें ये मेडल रखे जाते हैं। ये भी खास तरह से डिजाइन किए हुए होते हैं और मेडल के साथ एक रिबन भी खिलाड़ियों को दिया जाता है, जो इस बार खास जापानी तरीके से डिजाइन किया गया है। चलिए दोस्तों अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों मेडल को काटते हैं खिलाड़ी। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ ओलंपिक्स हिस्टोरियन के प्रेसिडेंट रहे और किताब द कंप्लीट बुक ऑफ द ओलंपिक्स के ओलंपिक्स को लेकर डेविड व्लेकिंस्की ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया था कि यह फोटोग्राफर्स की वजह से है। उन्होंने बताया था, मुझे लगता है कि खेल पत्रकार इसे आइकॉनिक तस्वीर की तरह देखते हैं, कुछ ऐसा जिसे वे बेच सकते हैं। खिलाड़ी शायद ही कभी खुद से ऐसा करते होंगे। ऐसे में समझा जा सकता है कि यह सिर्फ फोटो क्लिक करवाने के लिए एक पोज होता है और मेडल काटने के पीछे कोई अहम वजह नहीं होती है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। हिस्टोरिक टीवी हिंदी।